yesterday. Here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the chapter number 10, that is the respiration in plants and animals. In last lecture we have studied about the respiration in human being and the respiratory system. So in today lecture we will be discussing about the मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग का किस तरीके से मैकेनिज्म होता है वो हम पढ़ने वाले हैं, और डायफ्राम का जो मूवमेंट है वो किस तरीके से होता है. व्हेन वी आर इनहेलिंग द एयर, जब भी अगर हम कभी भी एयर को इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स जो होते हैं वो फुल जाते हैं, और जिस वजह से जो हमारे रिबकेज होते हैं वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ आने लगते हैं, और उसी वक्त जो डायफ्राम रहता है वो कैसा हो जाता है, एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और फ्लैट हो जाता है. हमने कल देखा था कि जो हमने फिगर में देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे लंग्स के नीचे एक टिश्यू प्रेजेंट था, दैट इज एन कैविटी प्रेजेंट थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं. तो डायफ्राम जो रहता है वो क्या हो जाता है, इनहेलेशन के वक्त में फ्लैट हो जाता है, और वेयर एज जब भी अगर हम एक्सहेल करते हैं, जब हम एयर को आउट करते हैं तो हमारे लंग्स जो रहते हैं वो कैसे हो जाते हैं, एकदम एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, और तो और जो एयर है वो जब निकलते वक्त जो डायफ्राम है वो डोम शेप बना लेता है. डोम शेप मतलब इस तरीके का कर्व शेप लंग्स में फॉर्म होते हैं. सो व्हेन वी आर एक्सहेलिंग अवर एयर, तो हमारे जो ये रिब्स के पास में जो डायफ्राम है वो कैसे शेप में ले लेते हैं, कर्व शेप में, और जब भी कभी अगर हम एयर इनहेल करते हैं तो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, रिलैक्स, दैट इज फ्लैटेन हो जाते हैं. सो दिस इज अ पोजिशन फ्रॉम वे द इनहेलेशन के वक्त कैसा हो जाता है, डायफ्राम एकदम फ्लैट रहता है, एंड वेयर इज जब हम लोग एयर को एक्सहेल करते हैं तो कैसा शेप ले लेता है, डोम शेप ले लेता है. द डायफ्राम रिलैक्स एंड बिकम्स डोम शेप व्हेन वी आर एक्सहेलिंग द एयर. इनहेलेशन में क्या होता है, वी विल सी. इनहेलेशन में क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैट्स. तो डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और फ्लैटन हो जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है. वेयर इज एक्सहेलेशन में जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं तब क्या होता है, डायफ्राम जो है वो रिलैक्स एंड बिकम डोम शेप. वो कैसा हो जाता है, डोम शेप में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज, और जो हमारी वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी की, जो वॉल्यूम है रिब केज जो है, इनहेलेशन के वक्त कैसी हो जाती है, एकदम ब्रॉडन हो जाती है, एकदम इंक्रीज हो जाती है. वेयर इज चेस्ट कैविटी जो है एक्सहेलेशन के वक्त में कैसा हो जाता है, वो एकदम डिक्रीज, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस. नाउ लंग्स कैसे हो जाते हैं, इनहेलेशन के वक्त में एक्सपांड हो जाते हैं और वेरेज इसमें एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं. नाउ एयर फ्लोज इन टू द लंग्स, और एयर जो है वो लंग्स के अंदर फ्लो करता है इनहेलेशन के वक्त में, और वेयर एज लंग्स में से जब एयर को बाहर जाना होता है तो वो फोर्सफुली जाता है. एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स, लंग्स में से एयर जो है वो फोर्सफुली बाहर की तरफ जाता है. तो आज हम ब्रीदिंग रेट पढ़ेंगे कि ब्रीदिंग रेट क्या होता है, कि हम पर मिनट में कितनी ब्रीदिंग ले रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट. जैसे कि नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना होता है, 15 to 18 पर मिनट में, 15 to 18 टाइम्स हम ब्रीद करते हैं. 15 से 18 बार, दैट इज 15 to 18 टाइम्स हम लोग इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं. सो ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन अकर्स अल्टरनेटली एंड कंटिन्यूअसली. अब जैसे कि ब्रीदिंग के वक्त क्या होगा, इनहेलेशन का प्रोसेस और एक्सहेलेशन का प्रोसेस साथ ही साथ चलेगा, अल्टरनेटली चलेगा. अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो तुरंत ही हम क्या करेंगे, एक्सहेल भी करेंगे. तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली लगातार चलती रहती हैं, और एक के बाद एक चलती रहती हैं. दैट इज इनहेलेशन होगा तो एक्सहेलेशन भी होगा, एक्सहेलेशन हुआ तो इनहेलेशन भी होगा, तो अल्टरनेटिवली वो चलती है तो एंड कंटिन्यूअसली भी रहती है. सो इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं, और यही चीज़ को काउंट करने के लिए हम क्या बोलते हैं इसको, दैट इज ब्रीदिंग रेट बोलते हैं. दस वन ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन, अगर हमने एक बार ब्रीथ किया तो इसको हम क्या काउंट करेंगे, एक बार हमने इनहेल किया एयर को, और एक बार हमने ब्रीथ आउट किया तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक बार हमने एक्सहेल किया. दैट वन ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन. जैसे कि एक ब्रीथ को हम क्या बोलेंगे, एक बार एक इनहेलेशन बोलेंगे और एक एक्सहेलेशन बोलेंगे. जैसे कि एक बार फर्स्ट टाइम अगर मैं ब्रीथ करें तो उसी टाइम पे क्या होगा, ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन अगर इनहेल करें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथ. द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट. अब जो भी पर्सन जो है जितनी बार ब्रीथ करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट बोलते हैं. जितनी बार, दैट इज एक पर्सन का अगर ब्रीदिंग टाइम अगर हम नोट डाउन करें, नॉर्मल रेट अगर बता करें तो क्या होगा, दैट इज 15 to 18 टाइम्स पर मिनट. एक मिनट में वो 15 से 18 बार ब्रीथ करता है, और अगर हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो तब क्या होगा, पर मिनट में कितना टाइम्स वो लोग ब्रीथ करेंगे, दैट इज 25 टाइम्स. दैट इज वो
मैक्सिमम हो जाता है 25, क्योंकि वी आर डूइंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम लोगों ने हार्ड वर्क किया, हमारी एनर्जी लॉस हुई, एनर्जी लॉस हुई तो हमें ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होगा तो हम फटाफट तेज एकदम फटाफट हम लोग सांस लेंगे, तो सांस अगर हम फटाफट लेंगे तो क्या होगा, इनहेलेशन जो है वो भी फटाफट होगा और एक्सहेलेशन भी फास्ट होगा, तो दोनों का प्रोसीजर जो है वो अल्टरनेटिवली चलता है, तो ब्रीदिंग रेट भी इन शॉर्ट में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि आपको अगर बोला गया है बलून को आपको फुलाना है वो भी एक ही बार में, तो उसमें हमारी एनर्जी जाएगी, तो हम लोग ऑक्सीजन अगर दे रहे हैं, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल कर रहे हैं तो बलून स्वेल होगा, बलून फूलेगा और फिर उसके बाद में हम भी थक जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, फटाफट ब्रीदिंग करने की कोशिश करेंगे। सो हियर वी हैव स्टडीड अबाउट द ब्रीदिंग रेट एंड द डिफरेंस बिटवीन द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इन डिटेल। थैंक यू।